गुड मॉर्निंग। अब अगला पार्ट कर रहा है फॉरेक्स में, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन, पार्ट नंबर 5। ठीक, बेटे ये बताओ कि डॉलर का रेट या यूरो का रेट जो भी हो क्या होने वाला है, फ्यूचर में बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? अगर बोलते डॉलर महंगा हो गया तो ऐसे क्या कारण है जिससे डॉलर महंगा हो गया, या डॉलर सस्ता हो जाता है तो ऐसी क्या वजह है कि डॉलर सस्ता हो जाता है? उन वजह वो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा कि कम होगा। ऐसे कौन से फैक्टर्स है, क्या लगता है कि डॉलर का रेट बढ़ना और कम होना कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सर फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, एक इन्फ्लेशन भी है, महंगाई। हाँ ये भी एक बात है कि जहां महंगाई कम होगी वहां की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, अप्रिशिएट होगी कि डेप्रिशिएट होगी। जैसे हमारे इंडिया में बड़ी महंगाई है यार, तो हमारे यहाँ की करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी कि वीक होगी, ये आपको डिसाइड करना। तो एक महंगाई भी हो गया, इन्फ्लेशन। इसके अलावा और क्या है सर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी करेंसी जो वीक होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमको ज़्यादा डॉलर लगेगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर महंगा होगा। हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना आ रहा है। कहीं एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमारे यहाँ डॉलर आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में करेंसी का रेट। पर हमें बहुत सारे फैक्टर्स नहीं पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं। हमें दो ही चीज पढ़ना है, एक इंटरेस्ट रेट की वजह से करेंसी स्ट्रांग होगी कि वीक होगी। एग्जाम्पल, अगर हम हमारे यहां बैंक से लोन लेने जाए तो हमारे यहाँ 10% इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, 12%। लेकिन यूएस में लोन लेने जाओ तो वहां 8% इंटरेस्ट है। बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कम है यूएस में? हमारे यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो कहाँ की करेंसी फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रांग होगी? मान लो अभी $1 ₹60 का चल रहा है, तो डॉलर का रेट फ्यूचर में 60 से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन का रेट, और इन्फ्लेशन के रेट पर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ महंगाई का रेट है 10%, कोई भी चीज़ 10% महंगी हो जाती है, और यूएस में कुछ और परसेंटेज है। तो कहीं भी ना कहीं महंगाई के रेट से, इन्फ्लेशन के रेट से भी डॉलर का रेट डिसाइड होगा कि क्या होने वाला, डॉलर या जहाँ की भी करेंसी का आपका कैलकुलेशन करना है। तो दो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? मुझे दो ही फैक्टर पढ़ाना हमारे कोर्स में, दो ही फैक्टर। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं IR इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलूंगा, फिर समझाऊंगा ये पैरिटी क्यों शब्द आया। और एक क्या पढ़ाऊंगा मैं, इन्फ्लेशन की वजह से, जिसको मैं बोलूंगा परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है जी? ठीक है सर, डिटेल में डिस्कशन करना है, आराम से इसको एक बार लिख लूं ताकि। तो लिखवा रहा हूं, लिखोगे मेरे साथ सर? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से डिटरमाइन होता है एक्शन रेट। हाँ
वी विल डिस्कस। टू फैक्टर्स, और मुझे वो दो फैक्टर समझाना। एक पढ़ाना इंटरेस्ट रेट्स और दूसरा पढ़ाना है इन्फ्लेशन रेट्स। अगर मैं आपसे बोलूं फ्यूचर में रेट क्या होने वाला, फ्यूचर में रेट क्या होने वाला सर, तो इसको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बोलूंगा। हाँ बेटे, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, फ्यूचर में रेट होने वाला है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। वो डिपेंड करता है किस पर, फ्यूचर एक तो इंटरेस्ट रेट पर और किस पर, इन्फ्लेशन रेट पर। अगर इन फ्यूचर का एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी, आईआरपी बोलेंगे करेंगे हम ना, इंटरेस्ट रेट को आईआरपी बोलेंगे। और सर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से डिसाइड होगा तो इसको बोलेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी, PPP। ये सब समझाऊंगा डिटेल में। अच्छा, इन दोनों का भी एक लिंक होगा, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट लिंक करके मैं और एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, और उसका नाम रहेगा इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। तो फिर से हम लोगों को बेसिकली कौन से फैक्टर्स पढ़ना, दो, कि फ्यूचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर का एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट बढ़ेगा कि कम होगा। आईआरपी बोलता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, और परचेसिंग पावर पैरिटी बोलता है कि ये इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। मैं एक समय में एक ही फैक्टर को उठाऊंगा और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो तैयार हो? तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे आईआरपी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से पूछा नहीं गया है, या तो आईआरपी से या पीपीपी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्लीज़ कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा है तो अच्छे से तैयारी करोगे, और आपके मॉड्यूल में या आपके प्रैक्टिस मैनुअल में बड़े सारे क्वेश्चन है इसके। ठीक है सर, तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, बात करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो लिखोगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी, वन इंटरेस्ट रेट पैरिटी आईआरपी। पॉइंट नंबर वन, पहले दो पॉइंट लिखवाता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाना स्टार्ट करूंगा। एज पर आईआरपी एक्शन रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसी
पैंट्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्रीज। तो क्या समझ में आया बेटे, क्या लिखवाया है मैंने? मैंने लिखवाया है कि एक्शन रेट किस पर डिपेंड करता है। एक्शन रेट डिपेंड करता है वहां के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। हाँ जी, समझोगे ध्यान से। मैंने ये लिखवाया हूं कि भाई इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलता है एक्शन रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसी, रुपया और डॉलर के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्रीज, मतलब वहां उस कंट्री के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा हूं अभी, एक डॉलर का रेट है 60 रुपया। अभी 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 का मतलब स्पॉट रेट, ठीक। इंडिया में क्या चलता है? सर इंडिया में चलता है रुपया। यूएस में क्या चलता है? यूएस में चलता है डॉलर। अब मैं एक आपसे बात बोलता हूँ, हमारे यहाँ पैसा उधार लेने पर या जमा करने पर, एक ही मान लेना अभी, 12% रेट चल रहा है। इंटरेस्ट का रेट है 12%। और सर यूएस में, यूएस में है 8%। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, फ्यूचर में डॉलर महंगा होगा कि सस्ता होगा, सोच के बताना। और सिर्फ किसको देखते हुए? रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए बताइए कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है या जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अगर आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में ज्यादा है तो रुपया महंगा हो जाएगा भाई, रुपया स्ट्रांग होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर यूएस में कम है, अब आपको यह बताना है कि जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है वो करेंसी महंगी होती है कि जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो करेंसी महंगी होती है। क्या लगता है? बस यही हमको पता करना है कि जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वो करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये बात हमको प्रूव करना पड़ेगा। और यही बात आईआरपी बोलता है। आईआरपी एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता है। आईआरपी बोलता है भाई जिस करेंसी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी तो अभी ऐसा लग रहा है अभी महंगा है, बेटे अभी छोड़ो फ्यूचर में क्या होने वाला। मेरा क्वेश्चन बस है 60 से ऊपर जाएगा, 60 रुपया से फ्यूचर में ऊपर जाएगा कि 60 से नीचे जाएगा डॉलर का रेट। अच्छा मेरा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला? आईआरपी क्या बोलता? आईआरपी एक ही बात बोलता है, ध्यान से सुना, फिर से वही बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइन ही मैं बार बार यूज करने वाला हूँ आगे अगली क्लासेस, एक दो क्लासेस तक। आईआरपी बोलता है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वो करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब भी बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ का कम है? सर यूएस का कम है, बिल्कुल। तो कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी आईआरबी के हिसाब से? डॉलर्स। सर कैसे? बस ये कैसे के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इट मींस कि फ्यूचर में डॉलर का रेट, क्योंकि यहां तो डॉलर महंगा हो जाएगा और डॉलर कितने रुपए से? 60 रुपए से ऊपर चला जाएगा। 60 से ऊपर कितना आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डॉलर एप्रिशिएट होगा, डॉलर महंगा होगा। अच्छा सर, सर सुनो, अगर ये ऐसा नहीं होता, मान लो इधर 12% होता और इधर 8% होता, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ का कम है? इंडिया का। तो कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी? सर रुपीस। इट मींस एक डॉलर सस्ता हो जाएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और ये गिर जाएगा, 60 से नीचे हो जाएगा, ठीक है। एक ही बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको याद करवा रहा हूं। आईआरपी क्या बोलता है? जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वहां की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और दूसरी चीज, कैसे हो, कैसे क्यों होता है, ये चीज समझना है। तो पहले लिख लेते हैं कि आईआरपी बोलता क्या है।
तो लिखोगे पॉइंट नंबर टू। करेंसी ऑफ अ कंट्री हैविंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी स्ट्रॉन्गर देन करेंसी ऑफ ए कंट्री हैविंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पूरी बात है कि करेंसी ऐसी कंट्री की करेंसी, ठीक, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहां की करेंसी स्ट्रांग होगी, किसकी अपेक्षा ऐसी इन फॉरवर्ड मार्केट भी कर लो भाई, पता लगा बाद में फिर ऑब्जेक्शन ले लिया आप। सर इन फॉरवर्ड मार्केट का मतलब ये समझाने वाला हूं मैं, इन फॉरवर्ड मार्केट। तो अभी तक जो बातें मैंने बार बार बोला था उसी बात को मैंने लिखवा दिया, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वहां की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब इस बात को मुझे प्रूव करवाना पड़ेगा और सारी बातें यहां फोकस करोगे, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, क्यों, क्योंकि इससे एक इक्वेशन निकल के आएगी और वो इक्वेशन मुझे यहां लिखना पड़ेगा, इसलिए इस तरफ देखोगे बिल्कुल ध्यान से। चलो समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक पर्सन है राम, और सर राम के पास क्या है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब राम के पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो अब राम क्या करे, तो राम के पास ऑप्शन है बेटे, या तो वो कर दे इन्वेस्ट इन इंडिया, या तो कर सकता है इन्वेस्ट इन यूएस, दो ऑप्शन है। अच्छा, इंडिया की बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक में जमा करने पे 12% इंटरेस्ट मिलता है, 12% पर एनम। अच्छा, यूएस की बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूएस में मिलता है 8% पर एनम। सवाल बस इतना सा ही है कि जमा तो करे तो कहाँ करे। अब राम को डिसाइड करना है कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इंडिया में करूँ कि यूएस में करूँ। और बेटे मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी बता सकता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, 1 लाख रुपया लगाना है, सोच के देखो 1 लाख रुपए, बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे। इंडिया में रेट कितना चल रहा है, 12%, यूएस में कितना चल रहा है, 8%, बताओ बेटे कहाँ इन्वेस्ट करें, आराम से सोचना बेटे। सर यूएस में 8% है और इंडिया में 12% है, तो कोई बेवकूफी होगा जो यूएस में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहां 12% तो सबकी सभी यहां इन्वेस्ट करेंगे ना। जी हाँ, दूसरी समस्या सुनना, बिल्कुल सही बोल रहे, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है समझने के लिए, कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे यूएस में तो यहां रुपया नहीं लगा सकते, बैंक के पास रुपया लेकर जाओगे ना, हाँ बैंक के रुपये वो भगा देगा भाई, बैंक में तो डॉलर, यूएस में तो डॉलर चलेगा,
तो समस्या है कि यूएस में डॉलर चलता है और इंडिया में, रुप इंडिया में कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 लाख रुपया लगाओ, 1 साल बाद 1,12,000 रुपया ले जाइए। यहाँ समस्या ही समस्या है, यहाँ तो डॉलर चलता है, तो पहले 1 लाख रुपया लेकर मैं यूएस नहीं पहुँचूंगा, 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करूंगा, 1 लाख रुपए से मैं डॉलर खरीदूंगा और वो डॉलर ले जाकर यहाँ जमा करूंगा, ठीक है। अच्छा सर, सर मान लो आज का रेट क्या चल रहा है, आज के रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉट रेट। आज डॉलर का रेट चल रहा, रुपीज पर डॉलर, ₹50। अब राम दोनों ही एंगल से सोच रहा, बिल्कुल ध्यान से, सर इन्वेस्टमेंट कितने ईयर के लिए करना, वैसे ये होता नहीं है फॉरवर्ड मार्केट पर, समझ लो सिंपलिसिटी के लिए समझा, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना। अब जल्दी जल्दी जवाब देना, अगर मैं इंडिया में जमा करूं तो मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा, 1 साल बाद 1 लाख रुपया जमा करूं, 12% के हिसाब से 1 साल बाद कितना मिलेगा, सर 12,000 बेटे विथ प्रिंसिपल, 1 लाख वो और 12,000 वो, टोटल मिलाकर कितना मिलेगा, 1,12,000। तो इन्होंने निकाला इंडिया में अगर हम जमा करते हैं ₹1 लाख इंटू 1.12, ठीक है सर। यूएस में जमा करते हैं बेटे, यूएस में जमा तो क्या करना पड़ेगा, पहले रुपया को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में। अच्छा सर, तो पहले ₹1 लाख डिवाइडेड बाय ₹50 करना पड़ेगा, डॉलर का रेट दिया तो डिवाइड होगा, बताओ कितना डॉलर आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गए डॉलर 2,000। कहाँ लेकर चले सर, हम तो यूएस लेके चले, बिल्कुल, और यूएस में जमा कर दिया, और यूएस वाली बैंक से पूछ लिया कि साहब आप 8% दोगे ना, उन्होंने कहा हाँ भाई 1 साल बाद आना, $2,000 जमा करो, 8% ले जा लेना, तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1.08। अब बता सकते हो कि 1 साल बाद 2,000 × 1.08 कितना कमा लिया, 1 साल बाद $2,160 कमा लिया, यहां तक क्या ठीक है। हाँ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, कहाँ इन्वेस्ट करने में फायदा है सर, सर इन्वेस्ट करने में कैसे कंपैरिजन करो, इधर कितना मिलेगा, इधर 1 लाख इंटू 1.12, 1,12,000 मिल रहा है, और इधर कितना मिल रहा है, इधर तो डॉलर 2,160 मिल रहा है, बताओ बेटे कहाँ इन्वेस्ट करने में फायदा है। सर ऐसे थोड़ी ना कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको पहले अब हमको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डिसाइड कर पाएंगे, बिल्कुल सही। अब सुनना, सुनोगे ध्यान से, आज ही के दिन ये लो, ये ऐसी बैंक है जो डॉलर बेचने खरीदने का काम करती है, मान लो अभी एक ही रेट है मेरा, मैं सोच रहा हूँ यार इंडिया में जमा करता हूँ, इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 1 लाख रुपए ये मिले, ये मैं जमा करूँगा और 1 साल बाद 12% के हिसाब से 1,12,000 मिल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं अगर यूएस में जमा करता हूँ तो पहले तो मुझको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने का रेट आज का रेट तो ₹50 है, तो ये तो कन्फर्म है कि $2,000 मिल जाएगा। फिर यहाँ बैंक गया, मैंने कहा बैंक बैंक कितना, बोले 8%, मैंने कहा ये भी पक्का हो गया कि $2,160 मिलेगा। अब समस्या बस एक ही है, 1 साल बाद जब मैं $2,160 वहाँ से यूएस से इंडिया में लेके आऊँगा तो भैया उस 1 साल बाद रेट क्या होगा, मुझे नहीं मालूम रेट क्या होगा, काश कोई मुझे अभी बता दे कि रेट क्या होगा तो मैं अभी बता दूंगा फटाफट से कि क्या होगा। मैं गया कहां, मैं गया बैंक के पास, इस बैंक के पास गया जो डॉलर बेचने खरीदने का काम करता। मैंने कहा बैंक बैंक सुनो ना, 1 साल बाद जैसे मैं डॉलर लेकर आऊंगा, अभी तो आपके यहाँ रेट के हिसाब से अभी 50 चल रहा। मैंने कहा 1 साल बाद अगर मैं डॉलर लेकर आता हूं तो आप मुझसे कितने में खरीदोगे, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं इस बैंक से पूछ रहा हूँ, मैं हिसाब किताब लगा के नहीं की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मुझे कुछ फायदा होगा भी कि नहीं होगा। मैंने कहा बैंक 1 साल बाद अगर मैं आपके पास डॉलर लेकर आऊंगा और ये कन्फर्म है कि मैं $2,160 लेकर आऊंगा, कन्फर्म है कोई, तो बताओ 1 साल बाद मेरा डॉलर आप कितने में खरीदोगे,
मैं इस बैंक से पूछ रहा हूं, क्या बैंक बता पाएगी? मैं मान के चल रहा हूं कि बैंक 1 ईयर के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इट मीन्स कि बैंक आप आज ही बता दो कि मेरा 2160 ये 2160 आएगा, ये कंफर्म है ना? हाँ सर बिल्कुल, 1 लाख रुपए मुझे मालूम है, 50 रुपए ये भी मालूम है, $2,000 मिलेगा ये भी पता है, वहाँ का बैंक वाला 8% देगा ये भी पता है, ये 100% श्योर है कि मुझे $2,160 मिलेगा। बस एक चीज़ की और श्योरिटी मिल जाए कि ये बैंक मुझे आज ही बता दे कि 1 साल बाद जो डॉलर आएगा आप मुझसे कितने में खरीदोगे। ठीक है सर, अब भाई बैंक बताइए आप कितने में खरीदेंगे। अब सुनो बैंक क्या बोल रहे, बैंक बोल रहे ठीक है भाई 1 साल बाद आना, 1 ईयर, 1 साल बाद हम आपसे खरीद लेंगे, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट समझते हो आप, बोले 1 साल बाद खरीद लेंगे $1.51 का पक्का। अब राम सोच रहा अच्छा 1 साल बाद $1.51 के हिसाब से ये बैंक खरीद लेगी और मेरे पास कितना डॉलर आने वाला है 2160, तो जरा कैलकुलेशन करके तो देखूं कि मुझे फायदा है भी कि नहीं है इधर इन्वेस्ट करने में। $2,160 × 51 तो ये हो गया 1,10,160। पागल हो गया हूं, जबकि इधर तो 1,12,000 मिल रहा है। मैंने कहा बैंक बैंक है, छोड़ो जी नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना इस बैंक से, बोला मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना। बोले क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना? बोले आप कुछ भी बोल रहे हो, अगर आप इतना डॉलर मुझसे खरीदोगे 51 के हिसाब से तो मुझे तो US में जमा करने पर 1,10,160 ही मिलेगा, जब इससे अच्छा तो इंडिया है यार, इंडिया में 1,12,000 रुपये मिल रहा है, 1,12,000 मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो आपसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ ही क्यों, मैं इंडिया में ही जमा करता हूँ, बात खत्म। अब ये वाली बैंक समझा रही, भैया जहाँ जमा करना है जमा करो, आपकी मर्जी यार, मेरा रेट तो 51 है। अब सुनो राम क्या समझाएगा बैंक, राम कहेगा सुनो बैंक आज सुनो, ये जो 1 साल बाद का रेट है ना फॉरवर्ड रेट, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। बोले क्यों? आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझना बेटे। बोले ये रेट बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। बोले क्या वजह है बढ़ेगा? बोले सुनो मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से बेटे, बताओ मुझे दिख रहा है कहाँ जमा करने में फायदा है? बोले इंडिया में, जब मुझे इंडिया में दिख रहा है तो सभी लोगों को इंडिया में जमा करने में फायदा दिखता होगा। बोले हाँ, और एक बात बताऊं, US वाला भी तो सोचता होगा कि चलो यार मैं इंडिया में ही जमा कर देता हूं। सर US वाला क्यों सोचता होगा, जरा सोच के देखते थोड़ा आराम से। कोई शक ही नहीं है कि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, हाँ बेटे, कोई शक ही नहीं है कि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम इंडिया वाले तो इंडिया में ही करेंगे, उधर जाने की बेवकूफी नहीं करेंगे, पर US वाले भी शायद इंडिया में ही इन्वेस्ट करने लगे। सर क्यों करेंगे सोच के देखो, क्योंकि यहां सबको फायदा है। मान लो कोई एक US का पर्सन होता, US का पर्सन होता ये, तो वो क्या करता, वहां की बैंक से मान लो $2,000 उधार ले लेता, $2,000 उधार ले लेता, तो उसको 1 साल बाद देना पड़ता $2,160। ठीक है, ठीक है, मैं US के पर्सन पे पहुंच गया हूं, $2,000 उधार लिया और 2160 विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2160, एक बार चेक कर लो, 2000 × 1.08 $2,160 देना पड़ेगा 1 साल बाद। अब US वाले भाई साहब ने क्या किया, पहले कन्वर्ट, इंडिया में जमा करना ना भाई, इधर से उधार लिया और इंडिया में जमा करने का ये भी सोच, राम तो सोच ही रहा, साथ में ये US वाला पर्सन, सर इसका नाम तो लिखो, मिस्टर ए, ये भी अपनी बैंक से 2000 उधार लिया और बैंक वाले से बोल दिया सुनो बैंक 1 साल बाद मुझसे कितना लोगे, और बैंक बोलती है $2,160 दे देना, बात खत्म। अब $2,000 उधार लिया और फिर इन $2,000 को कन्वर्ट करा लिया आज के रेट पे, 50 रुपए के रेट पे, 2000 × 50,
तो बोलो कितना रुपया हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। और बोले फिर यहां जमा कर दिया। ठीक है सर, तो यहां जमा हो गया। एक साल बाद इस मिस्टर ए को कितना मिलेगा? 1,12,000 रुपया मिला। अब एक साल बाद का रेट तो 51 है, तो वो क्या करेगा, इस बैंक से आज ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा डॉलर खरीदने का। इट मीन्स 1,12,000 डिवाइडेड बाय 51 के हिसाब से मिल जाएगा, तो उसके पास डॉलर डिवाइडेड बाय 51 तो उसके पास आ जाएगा डॉलर 2196, और उसको बैठे बिठाए फायदा हो जाएगा, जिसको बोला जाता आर्बिट्रेज। सुनो मैं फिर से जो कहानी समझा रहा हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एक बार समझ में आ गया तो टेंशन खत्म। सर क्या हुआ जरा बताओ, राम को किस कहाँ जमा करने से फायदा था? इंडिया में। फाइनली इंडिया में जमा करने से फायदा दिख रहा था राम को। यूएस वाली पार्टी को भी ये बात पता है कि इंडिया में पैसा जमा करने से फायदा है, तो यूएस वाले पार्टी ने 2000, मिस्टर ए ने 2000 डॉलर उठाया बैंक से, 2160 देना है एक साल बाद, बात हो चुकी है। अब 2000 डॉलर को आज ही रुपया में कन्वर्ट करवा दिया तो कितना रुपया मिल गया? 1,00,000 रुपया मिल गया। इस बैंक से पूछा कि बैंक सुनो, एक साल बाद मुझे डॉलर वापस ले जाना पड़ेगा, रुपया वापस ले जाना पड़ेगा, और ये भी कन्फर्म है जो रुपया जमा करूंगा मुझे 1,12,000 रुपया मिलेगा। तो बैंक बोलती यार हम तो 51 के हिसाब से बेच रहे हैं। बोले ठीक है, खरीदने बेचने का रेट एक ही लेके चल रहा हूँ, बेडास्क समझाऊंगा बाद में, 51 के हिसाब से बात हो चुकी है। तो 51 के हिसाब से फिर जो फ्यूचर में 1,12,000 आएगा, पक्का है कि 51 के हिसाब से मैं कन्वर्ट करवा लूंगा, और मुझे कितना मिलेगा, मिस्टर ए को कितना मिलेगा? डॉलर 2196, जबकि वापस कितना करना है? 2160 डॉलर वापस करना, तो बचा हुआ तो मिस्टर ए का फायदा हो जाएगा। एग्री हो? हाँ। तो सिर्फ ऐसा मिस्टर ए नहीं करेगा, ऐसे ना जाने कितने यूएस के लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे। हाँ, और सब लोग फ्यूचर में, अभी तो लगा दिया डॉलर, लेकिन फ्यूचर के एक साल बाद मान के चलो, एक साल बाद डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। खुद सोचो ना यार, 1,12,000 जो आएगा, हम बैंक को रुपया देंगे और उससे डॉलर खरीदेंगे, तो क्या हर कोई डॉलर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा? हाँ। और फ्यूचर में डॉलर का रेट क्या बढ़ जाएगा? एग्जैक्टली, पक्का 51 से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है, जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहां की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, हालांकि ये आर्बिट्रेज है, थोड़ी सी मुश्किल बात है, पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक्चुअल इसके पीछे लॉजिक क्या है, जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वो करेंसी क्यों स्ट्रांग होती है, उसके पीछे लॉजिक बस इतना है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वो करेंसी ज्यादा, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो करेंसी डेप्रिशिएट होगी। ये समझा रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां का कम है? यूएस का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ का ज्यादा है? इंडिया का। तो इंडिया वाले इंडिया में तो इन्वेस्ट करेंगे, यूएस वाले भी इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे। मान लो आज 1,00,000 डॉलर इन्वेस्ट किया, या जो भी इन्वेस्ट किया, तो आज जब इन्वेस्ट किया तो एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में इन्वेस्ट किया तो छोड़ दिया, आज नहीं तो कल इंडिया से वापस ले जाओगे। यस, और वापस ले जाओगे तो जितना उसका ब्याज भी साथ में ले जाओगे। यस, और जब उतना पैसा वो रुपया आएगा तो भैया उससे आप डॉलर खरीदोगे। हाँ, और डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे। हाँ, और डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। यस, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फ्यूचर में डॉलर महंगा हो जाएगा। सारी कहानी यही है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वो लोग जितना इन्वेस्ट करोगे इंडिया में, क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा डॉलर ले जाएंगे और डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए डॉलर का रेट महंगा होगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी बताओ राम का क्या है? अब देखो राम, मैं तो ये मिस्टर ए को बीच में डाल दिया था ताकि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राम कहता है भाई बैंक एक बात सुनो, यहां 1,01,12, यहां मैंने क्या किया, 1,00,000 रुपए था उसको मैंने स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर दिया, तो 2,000 डॉलर आ गया। ठीक, फिर जो 2,000 डॉलर था उसको हमने 1.08 से मल्टीप्लाई कर दिया,
यस। और अब मैं आपको बता रहा हूं, बैंक बोल रहा अच्छा बात तो सही है यार, डॉलर तो महंगा हो जाएगा, बताओ फ्यूचर में डॉलर का रेट क्या रखूं। तो बोले फ्यूचर में डॉलर का रेट इतना रखो, राम क्या कह रहा, इतना रखो कि चाहो तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, चाहो तो यूएस में इन्वेस्ट करो, एक जैसा दोनों तरफ इन्वेस्ट करो, एक जैसा आंसर आना चाहिए। मतलब इधर जितना कमा रहे हो इंडिया में, यूएस में भी उतना कमाना चाहिए, ठीक है। मतलब सर यहाँ का कैश इनफ्लो एक साल बाद और यहाँ का कैश इनफ्लो एक साल बाद एक जैसा होना चाहिए, इसलिए तो इसको आप पैरिटी बोलती हो। पैरिटी का मतलब ही समझो कि इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट यहाँ अलग अलग जरूर है, लेकिन यहाँ ऐसे फॉरवर्ड रेट ऐसा रखे कि दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो लोग फायदा कमाना स्टार्ट कर देंगे, जिसको मैं आर्बिट्रेज बोलूंगा, और इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो अभी सारी बात ये है कि हम बैंक से बोल रहे सुनो बैंक एक साल बाद का रेट क्या रखना, रेट क्या रखना। बोले मैं बता रहा हूं क्या रेट होना चाहिए। ये इंडिया में 1 लाख रुपए जमा करने पे 1,12,000 कमाएंगे, हाँ। यूएस में 1 लाख रुपए को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, यस। इस डॉलर से को इनटू 1.08 करेंगे, हाँ, तो 2,160 डॉलर आ जाएगा एग्जैक्टली। और उसको किस रेट से मल्टीप्लाई करना है आप खुद निकाल सकते हो, मतलब यहां मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रेट से, ठीक है। अच्छा सर, और ये एक जैसा होना चाहिए तभी मजा आएगा। मतलब सर और क्या कर किया जा सकता है, दिस इज फॉरवर्ड रेट मुझको निकालना है, और क्या ये रेट निकाला जा सकता है, हाँ। ये कैश इनफ्लो कहाँ का है, इंडिया का, ये रुपीस में है, और ये भी फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में आ जाएगा, रुपीस में आ जाएगा, और दोनों का एक जैसा होना चाहिए। तो चलो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, ताकि मैं इक्वेशन समझा दूं, रुपीस 1 लाख इंटू 1.12, एग्री, हाँ सर, फॉरवर्ड रेट कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। सर ये तो सबसे डिवाइड ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ सर ये 50 क्या है, ये 50 है बेटे, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट, इसको स्पॉट रेट कर दूँ, हाँ सर स्पॉट रेट कर दूँ। मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब और क्या हो सकता, अब बिल्कुल ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको उठा के मैं नीचे ला सकता हूं क्या, हाँ सर, वो तो सिंपल मैथ्स है, वन पॉइंट जीरो एट, तो बचेगा क्या फिर, एफ आर और एस आर, फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट। अच्छा क्या 1 लाख 1 लाख को काट सकते हैं, हाँ सर काट दो, क्या फर्क पड़ा। तो फाइनली क्या बचा, 1.12, 1.08, एफ आर निकालना है, और एस आर कितना दिया है, 50। तो क्या एफ आर निकल सकता है, यस। एफ आर निकालना है, एफ आर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 50 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08, 50 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08, तो ये आ गया बेटे 51.85 अप्रोक्स। सर क्या ये एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट नहीं है, बैंक वाला पता नहीं क्या लिखने वाला है। हमने कहा कि ये रेट होना चाहिए, कितना रेट होना चाहिए, 51.85। सर ये फॉरवर्ड रेट निकला, यस। एक साल बाद ये रेट होगा, अगर मैं यहाँ ये जो फॉरवर्ड रेट है इसकी जगह 51.85 लिख दूँ ना, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाए, 160 डॉलर, 2160, अगर 2160 इनटू कर दो 51.85, तो अप्रोक्स आपका उतना ही आ गया, 1,20,000 अप्रोक्स।
पूरा पूरा की पूरा डिस्कशन इस बात पे चल रहा है कि जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, यूएस में कम है, वहां की करेंसी स्पॉट रेट की अपेक्षा फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाएगी। जितना अभी डॉलर का रेट चल रहा है उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा डॉलर। ये किसके हिसाब से निकाल रहे हो? आईआरपी। एक्चुअल कितना होना चाहिए? एक्चुअल 51.85 ही होना चाहिए। अगर रेट एक्चुअल वाला बैंक कुछ और कोट करता है, या तो 51 बोल देता है या तो 55, तो हमको पता लग जाएगा, हम डिसाइड कर पाएंगे कि इधर इन्वेस्ट करना चाहिए कि इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस वजह से आर्बिट्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई है, और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई है किसकी? आईआरपी की। बिल्कुल ध्यान से समझना, इक्वेशन क्या है? अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, यहां देखो सर, ये 1.12 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां। वन प्लस आर, और नीचे वाला क्या है? वन प्लस आर एफ आर डिवाइडेड बाय एस आर, तो हम आर आर काट देते हैं, एफ डिवाइडेड बाय एस कर लिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा, ये आर और ये आर, तो ये तो पूरा कट गया बेटे। ये आर मतलब ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ का? इंडिया का। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ का है? यूएस का। तो सर फिर यहाँ क्या लिखो बेटे? यहाँ ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है सर, हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि ऊपर इंडिया का लिखना है कि यूएस का लिखना, कि कैसे? एक बात अच्छे समझ लो, डिपेंड करता फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट किस में दिया है, वो ऊपर लिखा जाएगा, समझना। अगर फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट ये रुपीज़ में है, ये दोनों रुपीज़ में ही हो गए, तो ऊपर जो रेट आएगा वो रुपया का आएगा, नीचे डॉलर का। अगर ये डॉलर डॉलर दे, दोनों डॉलर में है, तो ऊपर जो रेट आएगा वो किसका आएगा? डॉलर का, इक्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। और नीचे होम करेंसी या फॉरेन करेंसी रटने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से यहाँ जो है करेंसी, उसी करेंसी का रेट यहाँ ऊपर आएगा। अगर यहाँ येन होता तो ऊपर किसका रेट आता? येन का। अगर यहाँ यूरो होता तो ऊपर किसका रेट आता? यूरो का। ये प्रैक्टिस से होगा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज आईआरपी इक्वेशन। तो पॉइंट नंबर थ्री मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, एज पर आईआरपी। फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। इक्वेशन हो गया एफ डिवाइडेड बाय एस, वन प्लस आर ए, वन प्लस आर बी। शर्त यह है कि अगर यहाँ रुपीज रुपीज जो भी होगा, अगर यहाँ डॉलर है यहाँ डॉलर है, तो ऊपर भी रेट किसका आएगा? यूएस का। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अच्छा एक बात समझ लो, हमें आईआरपी अब हम दो पार्ट में, एक कैलकुलेशन करेंगे और एक करेंगे कॉन्सेप्ट कि उसका क्या यूज है। सर तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में क्या आएगा? कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपसे सुनो क्या पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कहेगा फॉरवर्ड रेट निकालो, आईआरपी के हिसाब से निकाल लेंगे, या तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और ये भी दे देगा, कहेगा ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, वो भी निकाल लेंगे। एक चीज़ मिसिंग रहेगी जो आपको निकालना पड़ेगा। और क्या एग्जाम में कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, तो पहला काम करेंगे हम कैलकुलेशन, उसमें बड़े सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, और फिर करेंगे हम कॉन्सेप्ट आईआरपी का। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है ये सब समझा है, सिर्फ एक चीज समझिए, जहां जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वो कंट्री की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आज नहीं फ्यूचर में, जिसको मैं फॉरवर्ड, इसलिए मैंने यहां बाद में इन फॉरवर्ड मार्केट लिखवा दिया। ठीक है,
उसकी वजह बस इतनी थी कि जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं, बाहर वाला भी वहां इन्वेस्ट करेगा। और शुरू में तो जरूर ऐसा लग रहा है कि डॉलर का रेट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, और आज नहीं तो कल जितना इन्वेस्ट किया है यूएस वाले ने उससे ज्यादा जब ले जाएगा ही, तो वो ना बैंक के साथ डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए डॉलर महंगा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा भी हो सकता है, आर्बिट्रेज वाली बात मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी बस एक ही काम है, हमको इस इक्वेशन से कैलकुलेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको हर जगह काम आने वाली है। ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बेटे, ये भी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलो अब एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट कैलकुलेशन। छोटे छोटे एग्जाम्पल करवाऊंगा बिना कोई टेंशन के, जल्दी जल्दी आप जवाब दोगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो चलो पहला पार्ट कर रहे हैं, आईआरपी कर रहे थे, उसमें एक डॉट लगा देना। कैलकुलेशन, ठीक है, पहला थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर वन, स्पॉट रेट। मुझे मालूम है कि आपको स्पॉट रेट समझ में आता है, डॉलर वन इज इक्वल टू रुपीज 60। ठीक है, ठीक है सर, इंटरेस्ट रेट, इंडिया में ले लेते 15% पर एनम, और यूएस में ले लेते हैं 10% पर एनम। कैलकुलेट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, ये फॉरवर्ड रेट एक्चुअल नहीं, शुड बी वाला निकाल रहा, होना चाहिए एज पर आईआरपी। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, आईआरपी इक्वेशन एफ एस 1+RA 1+RB। एफ मतलब फॉरवर्ड रेट निकालना है, स्पॉट रेट दिया है क्या, यस रुपीज 60। मैंने कहा रुपीज है तो ऊपर रुपया का रेट, और एक साल का पूछ रहा हूं तो रुपया का रेट कितना जाएगा 1.15, नीचे की यूएस का रेट 1.10। अब देखो F इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ सर, रुपीज 60 इंटू 1.15 डिवाइडेड ये होगा 1.10। 60 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 1.10, तो आंसर आ गया 62.73। बोलो बेटे पहले डॉलर का रेट कितना था 60, अभी डॉलर का रेट एक साल बाद कितना हो जाएगा 62 फॉरवर्ड रेट। सवाल ये है कि फ्यूचर में डॉलर महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया, क्योंकि वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है आईआरपी के हिसाब से, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, इसको मिटा देता हूँ यार, ज्यादा अच्छा अच्छे से एग्जाम्पल करवाना मुझे, थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल रहेगा। हाँ जी, लिखोगे एग्जाम्पल, बार बार वाला देते, हाँ सर, पाउंड वन इज इक्वल टू डॉलर 1.50,
25. दिस इज स्पॉटेड. ठीक है सर. रेट ऑफ इंटरेस्ट यूके में ले लो 10% पर एन, और यूएस में ले लेते हैं 15% पर एन. ठीक है. कैलकुलेट 3 months फॉरवर्ड रेट. फर्स्ट इफ सिंप्लिसिटी के लिए इसको 12% कर लूं, है ना. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली. तीन सिचुएशन में आपको क्वेश्चन बनाना है, फॉरवर्ड रेट निकालना है. तो पहली सिचुएशन मैंने लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंडेड क्वार्टरली आईआरपी इक्वेशन हमको पता है, एफ एस इज इक्वल टू 1+RA और 1+RB. हमें एक निकालना क्या है, एफ एस दिया है क्या, डॉलर 1.5025. ऊपर किसका रेट आएगा सर, कोई शक ही नहीं है, इधर डॉलर है तो ऊपर डॉलर का ही रेट आएगा 15%. पर कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 3 महीने का निकालना, तो 3 महीने का रेट बता सकते हो क्या. हाँ सर बता सकते, 15% है तो 3 महीने का रेट 15 × 3/12/100+1 तो यहाँ जाएगा 1.0375. और यहाँ किसका, पाउंड का रेट 12, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 1.03. कैसे निकाला बता दूँ, ऐसे निकाला. अगर नीचे की बात करो 15 × 3/12 वाला रेट निकाल लिया, ऊपर की बात करो तो 12 × 3/12 सिंपल. ठीक है ओके सर. तो क्या एफ निकल सकता है, यस एफ इज इक्वल टू डॉलर 1.5025 × 1.0375 / 1.03. एफ निकल जाएगा 1.5025 × 1.0375 / 1.03. तो ये आ गया पाउंड 1 इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट 3 महीने बाद का डॉलर 1.5134. बता सकते हो कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, पाउंड, क्योंकि पाउंड स्पॉट रेट है 1.50 और यहाँ 1.51. ठीक है ठीक है, समस्या इसमें नहीं है, समस्या ये है अगर ऐसा लिखा है
कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये शब्द लिखे हुए तो दिक्कत है, और दिक्कत क्या है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ ना बेटे, तो अगर कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से मालूम है 3 महीने का रेट कैसे निकालते हैं। मैं फिर भी आपको याद दिला दूंगा, एफ डिवाइडेड बाय एस, 1+RA, 1+RB, एफ ही निकालना है, ये मालूम है हमको, डॉलर 1.5025 इज इक्वल टू। अब सुनो, अब 15% है जरूर, ऊपर यूएस का ही रेट आएगा, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव तो 3 महीने का रेट तो आपको भी पता है, 2 बार रूट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये ऐसे निकलेगा। अब लिख दूं क्या, हाँ सर लिख ही दो ना, टेंशन खत्म। अब इस तरह से नहीं होगा, अब ऐसे होगा, 1.15 पावर 1/4, और इधर क्या जाएगा, 1.12 पावर 1/4, ठीक है, या 3/12 कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या इसको अलग 2 बार रूट करना पड़ेगा, इसको अलग, नहीं सर, पहले डिवाइड कर देते फिर 2 बार रूट कर देंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ करवा रहा हूँ इसके आगे, एफ इसी के आगे चलोगे, एफ डिवाइडेड बाय 1.5025 इज इक्वल टू, पहले मैं क्या करूं, पहले डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कैसे कर रहा हूं मालूम है, 1.15 डिवाइडेड बाय 1.12, तो ये आ गया 1.02679 पावर 1/4। भाई इसको सीधा डिवाइड ही कर दो ना यार, ज्यादा अच्छा, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, F इज इक्वल टू 1.5025, आगे से मैं इतनी स्टेप्स में सॉल्व नहीं करूँगा, ये तो आपको 1.02679, कितने बार स्क्वायर रूट, 2 बार, 1, 2, तो ये आ गया 1.00663, तो F इज इक्वल टू 1.5025 × 1.00663 × 1.5025, तो आंसर आ गया डॉलर 1.5125। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, हाँ सर, अगर यहाँ था यूके का रेट 12%, यूएस का कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ डॉलर ऊपर डॉलर का रेट आना चाहिए, डॉलर का रेट कितना है 15%, ये तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो मैंने किया ना, तो मैंने यहाँ किया, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ मैंने 15 × 3/12 कर दिया, और यहाँ क्या किया, 12 × 3/12 चल गया, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो मुझे 3/12 नहीं हो सकता, मुझे तो पावर देना ही पड़ेगा, और मैंने ये आपको समझाया हूँ कि अगर 12 महीने का रेट दे रखा और कंपाउंड इफेक्टिव रेट दिया तो 3 महीने का रेट कैसे निकालना है। सर ये कहाँ मिलेगा हमको आपकी क्लास में, पहली क्लास मैंने आपको दे रखा, पहली क्लास मेरे जो है ना चैप्टर्स, उसमें डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे SFM की पहली क्लास में मैंने आपको समझाया हूँ, चाहो तो वो खोल कर देख लो, ठीक है, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो, ये भी समझाया हूँ क्या होगा, ये भी समझाया हूँ क्या होगा, ठीक है सर। अब एक चीज़ और बची है, क्या बचा हुआ, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, तो ये चीज समझाना, अगर कंटिन्यूअसली हो तो कैसे करोगे, तो लिखोगे इसमें पॉइंट नंबर 3, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। सर ये भी आपने समझाया, हाँ भाई पहली क्लास में ही समझाया हूँ आपको, चलो IRP इक्वेशन लगवाते, F प्लस R नहीं होगा, अब E पावर RTA और E पावर RTA, जहाँ भी कंटिन्यूसली आएगा आपको E लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है सर,
एफ निकालना है, एस दिया है डॉलर 1.5025, ई ऊपर डॉलर करे, डॉलर का रेट कितना है जी, 15%, 0.15 इंटू 3/12, ई 0.12 इंटू 3/12, एफ डॉलर 1.5025, ई 3 महीने का कितना आएगा, 0.03715, 0.03, अगर मैथ्स का अच्छा नॉलेज है आपको तो आपको मालूम है ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अगर मैथ्स का नॉलेज नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं, इसको अलग से सॉल्व कर लेना, इसको अलग से सॉल्व कर लेना, पर मेरे ख्याल से इतना नॉलेज होगा कि ई 0.0375 माइनस 0.03 ऐसा हो जाता है आपको। एफ तो कितना बचेगा, 0.0375 माइनस 0.03, 0.0075। अब समस्या है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपको निकालना आता है, कैसे सिखाया था मैंने, 0.00, या तो बुक आपके पास टेबल है, टेबल से भी देख सकते हो, 0.0075 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आ गया 1.0075। कैसे निकाला, डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, ये आ गया, सीधा एफ करके लिख दूँ, हाँ सर, इंटू 1.5025 इंटू 1.5025, तो ये आ गया बेटे डॉलर 1.5138। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस विशेष बात देखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर कुछ ना लिखा है कंपाउंड, ये तो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन कर लेना, कुछ लिखा है चाहे कम, लेकिन जहां जहां भी कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा आपको पावर कर जो है या तो 2 बार स्क्वायर रूट या 3 बार स्क्वायर रूट उस तरह से खींचना पड़ेगा आपको, क्योंकि इफेक्टिव तो होकर गया होगा तो उसको आपको कंपाउंडिंग होकर गया होगा तो आपको वापस लाना पड़ेगा, और अगर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है तो आपको एक्सपोनेंशियल टेबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल खत्म हो गया तो मैं बड़े सारे क्वेश्चन करूंगा, कभी ये मिसिंग करूंगा, बस एक बात है जो आपको समझना, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन में घुस कर देखना क्या लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है कि नॉर्मल लिखा है, कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है, कि कंटिन्यूसली लिखा है, उसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद भी हम प्रैक्टिस चालू रखते हैं, एग्जाम्पल इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल पहले दे देता हूं आपको और आप बनाते जाइए। तैयार हो, बस मैं घुमाऊंगा, मैं कंफ्यूज करूंगा और आप बिल्कुल इत्मीनान से काम करना। ठीक है सर, एग्जाम्पल, ठीक है, सोच समझ के धीरे धीरे काम करेंगे हम लोग, टेंशन वाली बात नहीं। पोर्ट्रेट, डॉलर 1, रुपीस 50, ठीक है, सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट,
डॉलर वन रुपीस 52.5 सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में कितना चल रहा है? 15% पर है। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन यूएस एज्यूमिंग आईआरपी होल्ड ट्रू। सर आईआरपी होल्ड ट्रू ये फॉरवर्ड रेट एक्चुअल है कि आईआरपी के हिसाब से? बेटे मैंने लिखा आईआरपी होल्ड। आईआरपी होल्ड का मतलब ये जितना भी है ये आईआरपी के हिसाब से ही है, या जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है वो आईआरपी से भी उतना ही रेट है। तो आपको मैंने तीन चीजें दी और एक चीज मिसिंग है, तो आपको बस सॉल्यूशन बनाना है। तो क्या लिखोगे? यूजिंग आईआरपी एफ डिवाइडेड बाय एस 1+RA एंड 1+RP। चेक करो एफ दिया है क्या? हां सर दिया है, रुपीस 52.50। एस दिया है क्या? यस सर, रुपीस 50। सर ऊपर रेट रुपया का आएगा, ये रुपया है तो ऊपर भी रेट रुपया का आएगा। अब सवाल है 15% है तो 6 महीने का कैसे निकाले? क्या सर पावर करना पड़ेगा, पावर या दो एक बार? इसको बेटे कुछ मत सोचना, कोई कंडीशन नॉर्मल दिया है ना 15%, तो सीधा निकालना 6 महीने का कितना होता है? 7.5%, 1.075 सीधा सीधा, और नीचे वाला रेट हमको निकालना है। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये सॉल्व कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना मैं कैसे कर रहा हूँ। 1+R, ये 50 वहाँ चला जाएगा, 50 × 1.075, एग्री? 50 × 1.07, 1+R यहाँ ले जाते हो, 52.5 डिवाइड कर दूँ सीधा। यस सर 52.5। राउंड ऑफ नहीं करना है आपको कि स्टेप नंबर वन गया स्टेप नंबर टू, सीधा सीधा सर 1+R में से माइनस कर दीजिए 1। चलो माइनस भी कर दिया। जब सब आपने माइनस कर दिया तो परसेंटेज में लाना, तो क्या हम इनटू 100 कर सकते हैं? यस, पर ये जो परसेंटेज आएगा वो तो 6 महीने का आएगा, तो क्या 12 महीने का निकल सकता है? यस, ये है 6 महीने का, तो ये 12 महीने, तो आर निकल जाएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां का निकल जाएगा? यूएस का, 50 × 1.075 डिवाइडेड बाय 52.5 माइनस 1 × 100 × 12/6। तो ये आ गया बेटे 4.76% पर एनम, पर एनम बताना था। ठीक, ठीक है सर। और एक एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ही आपकी जान बचाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग। स्पॉट रेट pound 1 = ₹90.5 लिखते हैं, ठीक है, 90 रुपया 50 पैसे। सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट pound 1 = ₹91.25, 6 month का फॉरवर्ड रेट भी दे रखा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन यूके 8% पर एन इफेक्टिव, या फिर मैं लिख दूं एनुअली कंपाउंडेड, बिल्कुल ध्यान से काम करोगे कंपाउंडेड एनुअली, और
इंडिया क्वेश्चन मार्क, और ये एजम्पशन लिया है कि आईआरपीटी होल्ड गुड, ये ट्रू होल्ड गुड लिख देता हूँ, गुड बोलो या ट्रू बोलो आईआरपीटी के हिसाब से, ठीक है आईआरपी के हिसाब से आपको निकालना है, तो काम करें अब ध्यान से काम करना बेटे, बस यूजिंग आईआरपी इक्वेशन क्या है जी, एफ एस वन प्लस आर ए और वन प्लस आर बी, एफ दिया है क्या, हाँ सर दिया है रुपीस 91.5, एस दिया है क्या, हाँ जी दिया है रुपीस, नहीं ये 91.25 है, 90.50, ऊपर रुपया का रेट आएगा पर रुपया का रेट तो दिया ही नहीं है, वन प्लस आर याद रखना पावर क्या करना पड़ेगा, छ में है ना, वन बाय टू, सर वन बाय टू क्यों बेटे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है तो फिर तो आपको छ महीने का रेट निकालने के लिए वन बाय टू करना पड़ेगा, ठीक है सर, नीचे सर तो अब नीचे होगा 1.08 पावर 1/2 एग्जैक्टली, अब इसको सॉल्व कैसे, तो सॉल्व तो ऐसे हुआ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई और ये तो डिवाइड ही रहेगा, ठीक है इसको लिख लूँ 1+r पावर 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई 91.25 इंटू 1.08 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 90.5, एग्री ये मल्टीप्लाई होगा ये डिवाइड है, तो इसको और थोड़ा सा नीचे जाऊँ, हाँ सर 1+r पावर 1/2 1.08 का स्क्वायर रूट इंटू 91.25 डिवाइडेड बाय 90.50, तो ये आ गया 1.0478, ठीक है यहाँ तक, अब एक बात तो इसको हटाना है तो इधर क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1+r इज इक्वल टू 1.0478, इसको क्या करोगे स्क्वायर इंटू इक्वल टू, तो यहाँ लिख देता हूँ आंसर आया 1+r इज इक्वल टू 1.09798 लिख दूँ, हाँ सर 980, तो r इज इक्वल टू 1.0980 माइनस वन, तो 0.0980 परसेंटेज में दिखाना है तो इंटू 100 कर दिया करेंगे, इंटू माइनस वन इंटू 100 करूँगा तो ये आ जाएगा बेटे 9.8% पर एनम, सर इसको आप पर एनम नहीं किए जैसे पिछले बेटे पिछले क्वेश्चन में तो मुझे इंटू 12/6 करना पड़ा, इसमें तो स्क्वायर कर दिया तो ऑटोमेटिक ईयरली आ गए, ठीक है जी, ठीक है सर थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगा तो बस, और यही फंसाएगा आपको कंपाउंडेड एनुअली वगैरह से, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है सर एक एग्जांपल और ले ले, हाँ बिल्कुल मैं हर तरह का एग्जांपल करवा देता हूँ, टेंशन खत्म, तो लिखोगे एग्जांपल, एग्जाम्पल में ऐसा है अब की बार हम लिख रहे हैं स्पॉट रेट, यूरो वन इज इक्वल टू रुपीस 80 और सर अब चेंज करो थोड़ा सा, ये लो भाई 9 मंथ फॉरवर्ड रेट, चलो इस बार तो यही निकल रहा है 9 मंथ फॉरवर्ड रेट, नहीं 9 मंथ फॉरवर्ड रेट चलो ये निकाल लेते 9 मंथ फॉरवर्ड रेट, सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में 15% पर एनम, इंडिया
और यूएस में कितना ले लेते हैं? 10% पर है ना यूएस। अच्छा, ये दोनों की दोनों क्या है, मान के चल रहा हूँ ये दोनों की दोनों इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब कंपाउंडेड एनुअली, और आपको 9 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना है बस। यूजिंग आईआरबी, आईआरबी को यूज कर ले, एफ डिवाइडेड बाय एस, 1 + RA डिवाइडेड बाय 1 + RB। एफ कितना दिया हुआ है, एफ ही तो निकालना। एफ एस मालूम है हमको, यूरो का रेट, यूरो यूरोप में चलता होगा, मैंने यूएस गलती से लिख दी, यूरो का रेट ऐसा कर लेते, यूरो का रेट यूरोप। एफ एस कितना है, एस है ₹80, 1 + RA मतलब रुपया है ना बेटे, रुपया, तो ऊपर रुपया का रेट आएगा, रुपया का कितना है 15%। पर क्या ये इफेक्टिव है? हाँ, तो 9 महीने का ऐसे नहीं निकाल सकते, 9 महीने का कैसे निकाल, 1.15 पावर आ जाएगा 9/12, क्योंकि इफेक्टिव दिया हुआ है। और नीचे क्या जाएगा, 1.10 पावर, इसमें भी आ जाएगा 9/12। तो फिर मैंने बोला था एक बार डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा, इसको डिवाइड कर लेते, 1.15 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये आ गया 1.0454 पावर 9/12। ठीक है यहाँ तक? अब सुनना ध्यान से सर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, डायरेक्टली पावर लगाना पड़ेगा, या तो फिर किसी और तरीके से। मैं दोनों ही तरीका समझा रहा हूँ और पहले भी समझा चुका हूँ आपको। तो आया एफ बाय 80, इसको सॉल्व कैसे करें? तो दो तरीके, दोनों ही तरीके मैं समझा रहा हूँ। पहला तरीका, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला डर्टी पावर, डर्टी पावर में क्या होगा, 1.04.454, तो उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर रूट 12 बार, फिर क्या होगा -1, फिर करना डिवाइडेड बाय 12 × 3, नीचे वाले से × 9, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर +1, और फिर × कितने बार, 12 बार। ये तो आता है आपको, तो 0.1.0454, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 / 12 × 9 +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटे ये आ गया 1.03386 आंसर। इसका आंसर आया 1.03386। अल्टरनेटिव कैसे कर सकते हैं? अल्टरनेटिव पहले इसको 3 महीने का बना लो, 1.0454, और कितने बार, 2 बार, पहले 3 महीने का रेट निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद × 2 बार कर लिया, तो आंसर आ जाएगा आपका। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 1.0454 √ 3 महीने का रेट × 2 क्वार्टर हो गए, = 3 क्वार्टर हो गए, तो 1.0338, इसमें भी वही आंसर आ रहा, ठीक है। पर सुनो, ये तो तब चलेगा जब 9 महीने का होगा, पहले इसको आपने 3 माह, ये समझाया हूँ, 3 महीने का लेकर आए और फिर इसको आपने 9 मंथ का कर दिया। सबसे अच्छा डर्टी पावर, डर्टी पावर इसलिए अच्छा है कि फिर यहाँ 9 महीने हो, 10 महीने हो, 12 महीने हो, जितना भी हो, 7 महीने हो, डर्टी पावर में बस ये चेंज करना पड़ेगा। अगर 7 महीने होता तो डिवाइडेड बाय 12 होता, पर इंटू यहाँ 7 हो जाता, ठीक है। ठीक है, तो ये चाहिए था, मुझे मिल गया, तो ये आ गया 1.0338। तो अब क्या करना, अब एफ निकाल लेते हैं, ₹80 × 1.0338, 80 × 1.0338, तो आंसर आ गया ₹82.33।
7704। ठीक है, तो बस ये 9 month वाले में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और ले क्या? बिल्कुल और लेते। एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और कर ले भाई, प्रैक्टिस हो जाए ना तो कम से कम आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है सर, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन ले देते हैं। स्पॉट रेट डॉलर में उठाते ना यार, $50। नाइन मंथ्स फॉरवर्ड रेट ₹50, 50.40। ठीक है, ठीक है सर। इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर है ना, यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क, एज्यूम कर रहा हूँ कि आईआरपी के हिसाब से आईआरपी होल्ड गुड मान के कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, हम कर लेंगे। सर ये कैसे रेट है बिट्टे, फिर से ये कैसे दिया? कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि उसी में दिक्कत होने वाली है और मैं वही उसी का बार बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कंपाउंडेड एनुअली, चलो तो निकालते हैं हमारी इक्वेशन। आईआरपी इक्वेशन तो क्या बनेगा? इक्वेशन एफ डिवाइडेड बाय एस, 1+RA डिवाइडेड बाय 1+RB। एफ दिया है 50.40 रुपीस 50, आर मतलब रुपया, रुपया का रेट आएगा 1.10, याद रखना पावर क्या हो जाएगा 9/12, और यहाँ जाएगा 1+R पावर क्या हो जाएगा 9/12। सर तो डिवाइड कर ले कि बेटे, अब नहीं कर सकते डिवाइड, अब तो कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। 1+R 9/12, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, हाँ तो ये निकालना पड़ेगा, तो डर्टी पावर से निकालना, निकाल सकते मैं सीधा करूँ, 50 × 1.10 / 9/12 डिवाइडेड बाय 50.4। तो 1.10 दो बार स्क्वायर रूट 1, 2 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तीन बार होगा ना, फिर से देख लो अच्छे से। 1.10 कितने बार रूट करोगे? दो बार, पहले 3 महीने का कर लो, 1, 2 3 महीने का हो गया, फिर इंटू इक्वल टू दो बार 3 बार, ठीक है, इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50.40। तो यहाँ लिख रहा हूँ 1+R पावर 9/12 इज इक्वल टू 1.06557। अब समस्या 1+R 1.06557 और यहाँ 9/12 है, तो इधर क्या जाएगा 12/9, ठीक है ना यार, 9/12 है तो 12/9 आ जाएगा। ठीक है सर, तो 1+R इज इक्वल टू, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? सोचो कैसे सॉल्व होगा। सर डर्टी पावर ही लगा लेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, डर्टी पावर ना, डर्टी पावर कैसे, डर्टी पावर से हमेशा एग्जाम में आपसे बनेगा, चाहे पावर कोई भी हो। डर्टी पावर में मैं ऐसे करता 1.06557 स्क्वायर रूट कितने कर बार 12 बार, तो 1.06557 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर क्या करते हैं? माइनस वन, फिर क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 9 × 12 + 1 और इंटू इक्वल टू 12 बार, ठीक है, 1.06557 एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन डिवाइडेड बाय नाइन इंटू ट्वेल्व प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो ये आ गया 1.08837। तो R इज इक्वल टू 0.08837 और मुझे परसेंटेज में चाहिए तो इंटू हंड्रेड। तो ये आ गया 8.837%। सर और भी कोई तरीका हो सकता था कि वैसे जैसे अभी किया था वैसे भी कर सकते थे 1.06557 एक दो तीन इंटू इक्वल टू ऐसे भी आ सकता था, पर छोड़ो, आप शॉर्टकट की अपेक्षा डर्टी पावर ही याद रखो, कोई भी पावर है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये किया आपने 9 मंथ का। ऐसा नहीं है कि अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है। तो अब करीब 2-3 एग्जांपल मैं और बनाऊंगा, फिर सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। ठीक है सर, हमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, वही IRP। तो एग्जाम्पल में ऐसा लेते हैं, इस बार स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू ₹60.25, ठीक है सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं मान के चल रहा हूं इंडिया में रेट है 12% पर है ना, और यूएसए में रेट है 10% पर है ना, ठीक है 10% पर है ना। और मैं पूछ रहा हूं आपसे कैलकुलेट, पहला सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट, और आपको निकालना है फॉरवर्ड प्रीमियम आर डिस्काउंट इन डॉलर्स, और निकालना है आपको फॉरवर्ड प्रीमियम आर डिस्काउंट इन रुपीस। इसके अलावा बस इतना ही काम कर लो बेटे, सफिशिएंट है। और एज्यूम IRP होल्ड गुड, मतलब जो भी काम करना है, जो फॉरवर्ड रेट निकालोगे वो मान के चलना कि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है। तो पहला काम करें, ठीक है सर, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट वाला काम करने जा रहे हैं, और सबसे पहले क्या निकालना है, सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट, सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट IRP इक्वेशन से निकाल रहे, IRP इक्वेशन और IRP इक्वेशन लगाऊं तो IRP इक्वेशन हो गई F डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू 1+RA डिवाइडेड बाय 1+RB, ठीक है। एफ हमको निकालना है, स्पॉट रेट हमको मालूम है,
60.25। तो जब भी यहां रुपया आएगा ऊपर रुपया का रेट आएगा, मतलब 12% कोई कंपाउंडेड एनुअली वगैरह नहीं लिखा है। तो भाई 12% 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना परसेंट? 6%, 1.06। और यहां 10%, तो 6 महीने का कितना हो गया? 1.05। तो एफ इज इक्वल टू 60.25 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05। तो बेटे ये आंसर आ गया रुपीज 60.824। ले लेते 8238 ले लिया, 8238। ठीक है सर, सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको आता ही था। यस, अब मैंने आपसे पूछा है फॉरवर्ड प्रीमियम आर डिस्काउंट इन डॉलर्स, पॉइंट नंबर टू। फॉरवर्ड प्रीमियम आर डिस्काउंट इन डॉलर, बोला इन डॉलर, ठीक से समझना आप मैं क्या करने जा रहा हूं। याद करो पहली क्लास में आपने फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकाला था, हाँ सर याद है, और किसका रेट दिया है? डॉलर का ही रेट दिया है और आपको डॉलर का ही निकालना। तो याद करो प्रीमियम और डिस्काउंट का फॉर्मूला हुआ करता था प्रीमियम और डिस्काउंट, और फॉर्मूला क्या था? फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट। परसेंटेज में लाना इसलिए इनटू 100 इनटू 12, क्योंकि पर एनम लाना, ये फॉर्मूला था हमारा। हाँ सर, क्या फॉरवर्ड रेट मालूम है आपको? अभी निकाला है आपने कितना? 62.8238 माइनस स्पॉट रेट पता है क्या? हाँ, 62.25 डिवाइडेड बाय 62.25 परसेंटेज में इनटू 100 इनटू 12 बाय 3। ठीक है, बस कैलकुलेटर से देखते 60.25 है, और बेस भी क्या आएगा? 60.25। तो 60.8238 माइनस 60.25 डिवाइडेड बाय 60.25 इनटू 100 इनटू 12 बाय 3। तो बेटे ये आ गया आंसर 3.809% प्लस में आया। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा प्रीमियम। और कौन सी करेंसी में प्रीमियम है? जिस करेंसी का रेट दे रखा प्रीमियम इन डॉलर। ठीक है, ठीक है सर, पर एक बात जरा सोच के देखना बिल्कुल ध्यान से। क्या आपको फॉरवर्ड रेट पता है? हाँ, फॉरवर्ड रेट सुना बेटे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये मालूम है क्या? हाँ सर, ये तो पता है 60.25 क्या है? 8238 बोलो। हाँ हाँ सर, ये निकाला हमने। स्पॉट रेट भी मालूम है 60.25। मतलब सर आप सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं। हाँ बेटे हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यह स्पॉट रेट और यह फॉरवर्ड रेट, और एक रेट किसका है? रेट है डॉलर का। तो पक्का बेटे डॉलर जो है वो प्रीमियम पे है। कितना गुना है ये निकाला जा सकता है? कितना टाइम्स? यही से निकल सकता है। एक बार टाइम्स में निकाल लीजिए फिर परसेंटेज में, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सीधा ये लिखा और सीधा ये लिखा। हालांकि ये कितने मंथ का है सर? ये 6 मंथ का दिख रहा है, पर फिर भी ऐसा कर लो और इसमें कर दीजिए। बस ये इक्वेशन लिख रहा हूं माइनस वन,
और परसेंटेज में लाना है तो इनटू 100। तो अगर मैं बोलूं ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये यही बताता है कि डॉलर प्रीमियम पर है, डॉलर प्रीमियम पर है, यही आंसर निकलना चाहिए। तो बात है 60.8238 डिवाइडेड बाय 60.25 माइनस 1 × 100। ओहो ये आंसर नहीं आ रहा है, पर एक बात मुझे बताना सोच के, ये कितने मंथ का निकाला है आपने? तो आपने निकाला है शायद, कितने मंथ का निकाला है आपने? 6 महीने का है, तो 12 महीने का निकाल, डिवाइडेड बाय 6 × 12। फिर से देख लेते हैं, 60.8238 माइनस 60। अच्छा यहाँ गड़बड़ है ना भाई, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है फिर से 60.8238 माइनस 60.25 डिवाइडेड बाय 60.25 इंटू 100 इंटू 12 बाय 6। तो ये आंसर ये नहीं है, आंसर है 1.905%। ये भी वही निकलना चाहिए, 60.8238 डिवाइडेड बाय 60.25 माइनस 1 × 100। अब ये जो निकला है ये कितने मंथ का निकला है? 6 महीने का। तो इसको भी तो ऐसे करना पड़ेगा, ये 6 महीने का, दोबारा डिवाइडेड बाय 6 × 12। तो आंसर आ गया 1.905% प्रीमियम इन डॉलर्स। सर तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? बेटे कुछ नहीं है, अगर मैं बोलूं तो ये अगर स्पॉट से फॉरवर्ड ज़्यादा है तो ये जो निकलता है ये प्रीमियम इन डॉलर ही है। चाहो तो आप ऐसा कर लो, चाहो तो आप ऐसा कर लो, आपकी मर्जी, पर इसकी हमारे हमें आदत हो चुकी है इसकी। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करोगे तो भी चल जाएगा, और ऐसे करोगे तो भी चल जाएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है सर, सर एक बात बताऊं, जब ये दोनों के बराबर, ये इसके बराबर ये बोल रहे हो, तो इससे जो आंसर आएगा क्या इससे भी वही आंसर आएगा? हाँ भाई इससे भी वही आंसर आएगा। अगर मैं इसको उठाता हूँ 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05 और यहाँ माइनस 1 × 100 × 12 बाय 6 करूँ तो भी क्या आंसर वही आएगा? एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, 1.05 डिवाइडेड बाय 06 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1 × 100 × 12 बाय 6, आंसर वही आ गया 1.905% प्रीमियम। ये भी बोल रहा है प्रीमियम इन डॉलर, और ये भी क्या बोलता है प्रीमियम इन डॉलर। तो तीन तरीके हो गए निकालने के, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। मैं आपको ये वाला करवाऊंगा, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, मतलब मुझे ये याद है कि हाँ जी ऐसे करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कुछ नहीं, ये तो मालूम है दिस इज प्रीमियम इन डॉलर, और ये भी तो प्रीमियम इन डॉलर ही है, इसके बराबर ये है। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो सर, ठीक है ये फॉरवर्ड रेट आपने ये मान के बोला है कि आईआरपी के हिसाब से, आईआरपी के हिसाब से, पर अगर फॉरवर्ड रेट अलग होगा तो ये और ये तो इक्वल नहीं होगा। हाँ बेटे फिर यही वाला सही प्रीमियम होगा जो आप इससे निकालोगे, ये सही प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम निकलेगा ये तो आईआरपी के हिसाब से निकलेगा, समझना ध्यान से। ये वाला तो ठीक है, अगर फॉरवर्ड रेट एक्चुअल में ये नहीं रहा जो आपने निकाला, एक्चुअल में कुछ और रहता तो बेटे फिर ये वाला जो होता ना ये सही प्रीमियम इन डॉलर कहलाता, और ये आईआरपी के हिसाब से कहलाता, और फिर कहीं ना कहीं मैं कुछ आपको आर्बिट्रेज सिखाता। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आईआरपी है मेरा, तो प्रीमियम निकालने के कितने तरीके? पहला नॉर्मल वाला तरीका, दूसरा या तो इसको उठा लो, बस माइनस वन कर देना, क्योंकि यहाँ वन, यहाँ माइनस वन हो जाएगा, इंटू हंड्रेड हो जाएगा, और ये 6 महीने का तो 12 महीने, या तो यहाँ ऐसे कर लेना, इसको उठा लेना, माइनस 1 × 100 × 12 बाय 6, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बात आखिरी, इन सबको हटाओ,
अब अगर सुनोगे, पर पॉइंट नंबर टू तो समझ में आता है, पॉइंट नंबर टू आपने कर लिया। पॉइंट नंबर थ्री में बोला फॉरवर्ड प्रीमियम आर डिस्काउंट इन रुपीज, बोला रुपया में निकालो, फॉरवर्ड रेट यही रहेगा। हाँ, अब मुझे निकालना है फॉरवर्ड प्रीमियम आर डिस्काउंट इन रुपीस। फिर कैसे करोगे? कुछ भी नहीं करना। अब दिक्कत है कि रेट किसका दिया, रेट दिया है किसका, रेट दिया है डॉलर का, और मुझे किस में निकालना है, रुपीस में निकालना है। तो दो तरीके थे कि मैं रेट ही रुपया का बना लूं। सर रेट कैसे? बेटे मेरा जो फॉर्मूला है बेसिकली वैसा है, प्रीमियम आर डिस्काउंट का फॉर्मूला, एफ आर माइनस एस आर डिवाइडेड बाय एस आर। तो एफ आर कितना है, एफ आर है 1/60.8238 माइनस 1/60.25 फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय 1/60.25। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लूं मैं, पर फिर हमने कुछ डेरिवेशन से समझा हुआ है, पहली क्लास में चेक करना फॉरेक्स की, कि जब भी जिसका रेट दिया है, जिसका रेट दिया है उसी के विषय में पूछा तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर रुपया के विषय में पूछा रेट किसका दिया है डॉलर का, तो फिर हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, एस आर पहले आ जाएगा, एफ आर बाद में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एफ आर आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। शर्त क्या है, रेट दिया है डॉलर का और डिस्काउंट पूछ रहा है रुपया का, तब। अच्छा सर, तो एस आर कितना आ गया, एस आर मतलब सर इतनी बात समझ में, जिसका रेट दिया उसके विषय में पूछेगा तो सीधा सीधा चलेंगे, बिल्कुल। जिसका रेट दिया है उसके विषय में नहीं पूछ रहा है, अपोजिट करेंसी के विषय में पूछ रहा है, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, हर फॉर्मूले को उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है स्पॉट रेट में, इससे सॉल्व नहीं कर रहे, इससे आप घर में सॉल्व कर लेना। मैं कर रहा हूँ एस आर कितना है 60.25 माइनस 60.8238 एट कर देना डिवाइडेड बाय 60.8238 माइनस 1/100/12/6 60.25 माइनस 60.8238 डिवाइडेड बाय 60.8238 माइनस 1 क्यों हो गए, 100/12/6। तो ये आ गए बेटे 1.887% माइनस में आया है 1.887%, और ये क्या आ गया, डिस्काउंट इन रुपीस। सर अच्छा, इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, कि बिल्कुल निकल सकता है, पर मैंने कहा ना रेट किसका दिया है डॉलर का, और मुझको किसके विषय में निकालना है, मुझको निकालना है रुपीस में, तो फॉर्मूला उल्टा करना पड़ेगा, स्पॉट ऊपर आ जाएगा 60.25 डिवाइडेड बाय 60.8238 माइनस 1/100, चाहो तो आप निकाल कर देख लो, तो 60.25 डिवाइडेड बाय 60.8238 माइनस 1/100/12/6। तो आंसर वही आ गया, 1. माइनस में आया 1.887% किस में आया, डिस्काउंट इन रुपीस। सर इससे भी बेटे, इससे घर में निकाल लेना है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। सर हम कैसे करेंगे बेटे, आप ऐसे करना, एक्चुअली ये याद रहेगा, ये याद नहीं रहता है, इसलिए आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ऐसे नहीं, मैं इसको भी प्रेफर नहीं करूंगा, पर हमको ये याद रखना पड़ेगा, अगर जिस रेट के विषय में बोला है करेंसी, जिसका रेट दिया जो बेस करेंसी उसी के विषय में बोलना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला जो बेसिक है,
पर अगर अपोजिट पूछा तो फॉर्मूला आपको रिवर्स करना पड़ेगा, चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, मैंने दोनों ही तरीके से करवा दिया आपको, ठीक है? ठीक है, क्यों करवाए सर, इसकी वजह क्या है? पहली बात तो कल को मैं आर्बिट्रेज करवाऊंगा तो उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों चीजों की, ठीक है? और दूसरी बात कि कैलकुलेशन आया हुआ है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन हम लोगों को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करवाया हूं आपको। अब ये समझ लो कि ये लास्ट एग्जांपल है, मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह से करोगे कुछ है। अब मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस पोर्ट्रेट मैंने आपको दिया, पाउंड वन 90.2575, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम इन पाउंड दे दिया मैंने आपको, और प्रीमियम इन पाउंड दे दिया, याद रखना कि ये हम हमेशा कैसा होना है, पर है ना, प्रीमियम इन पाउंड, पाउंड प्रीमियम पर है। और ये ले लेते हैं, कितना परसेंट ले लूं भाई, 2% ले लेते हैं, 2% पर एनम, ठीक है? और मुझे निकाल कर बताना, कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट निकालना है, बस फॉरवर्ड रेट निकालो, इतना ही है, इसके बाद भले ही एक एग्जांपल करवा लूंगा, एक्चुअली मिक्स हो जाएगा। फॉरवर्ड रेट निकालना, तो सर फॉरवर्ड रेट तो निकाल सकते, कैसे निकालोगे बेटे? सर एक बात बताओ, हमको फॉरवर्ड रेट पता है क्या बेटे? वही निकालना है। हाँ, मैंने आपको प्रीमियम बता दिया है, और सर फॉरवर्ड रेट कब का निकालना है? मुझे फॉरवर्ड रेट निकालना है 6 मंथ का। अब देखो, एक तो बेवकूफ़ी ऐसी होगी कि आप फॉर्मूला लगाओगे, मैं भी फॉर्मूला लगाता हूँ, ज़्यादा अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट तो भाई एक ही चीज दिया, प्रीमियम दिया, तो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का हमको फॉर्मूला पता है। हाँ सर, तो पहले मैं फॉर्मूले पे जाता हूँ, फिर कॉमन सेंस लगाऊंगा। तो प्रीमियम का फॉर्मूला, प्रीमियम का रेट किसका दिया है? पाउंड का। प्रीमियम किस में है? पाउंड में ही है, तो सीधा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एफ माइनस एस आर डिवाइडेड बाई एस आर इंटू 100। पर ये जो निकलेगा ये कितने मंथ का? 6 महीने का, तो 12 महीने का कितना? और क्या प्रीमियम दिया हुआ है? हाँ, कितना परसेंट? 2%, 2 लिख सकता हूँ सीधा, 2। एफ आर पता है क्या? एफ आर पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। एस आर पता है क्या? यस, 90.2575, और 90.2575 इंटू 100 इंटू 12 बाय 6। अब एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई इसको उठाकर इधर करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 6 बाय 12। तो सर कॉमन सेंस तो ये है ना कि 2% है 1 साल का, तो 6 महीने का कितना होगा? 1%, तो सीधा 1 ही लिख देते ना, ये 12 बाय 6 लगा ही क्यों रहे हो? बिल्कुल सही। अब ये परसेंटेज और ये इंटू 100 है, तो इंटू 100 को उठाकर यहां कर देंगे तो सर हम अच्छे से जानते हैं 1 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं। बस अगर ये आपको समझ में आ गया, 2% है 12 महीने का, तो 6 महीने का 1%, और 1% को कैसे लिखते हैं? 0.01। बस अब तो सॉल्व कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 90 को इससे मल्टीप्लाई करो, 90.2575 इंटू 0.01,
तो ये आ गया 0.902575 एफ आर माइनस, ठीक है सर। अब क्या करना, अब एफ आर इज इक्वल टू इधर जाके प्लस हो जाएगा, 90.2575 प्लस 0.902575, तो आंसर आ गया रुपीस 91.1601 अप्रोक्स। ये मैंने फॉर्मूले को यूज करके देखा, अब मैं आपसे बस एक बात बोल रहा हूँ, आराम से सोच के देखो भैया, आज रेट कितना है 90.2575, एक साल बाद पाउंड, 6 महीने बाद एप्रिशिएट होगा कि डेप्रिशिएट, प्रीमियम पर होगा कि डिस्काउंट पे, प्रीमियम पर कितना परसेंट, 1%, तो पाउंड प्रीमियम पर होगा, पाउंड एप्रिशिएट होगा, तो बताओ कितना होगा सर सीधा, ये तो हमको पता अच्छे से, 90.2575 × 1.01 आंसर आ जाएगा सर, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो, 1.01 करके देख लेते हैं, 90.2575 × 1.01 यही आंसर आएगा, 91.1601 सीधा दिख रहा है आपको, क्यों फॉर्मूले के चक्कर में, हमको मालूम है पाउंड क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट होता है तो बढ़ा दो, ये तो हमने किया हुआ ना जाने कितने बार। ठीक है सर, बस अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ और फाइनली फिर आप तैयार हो चुके हो पूरी तरह से, फिर एग्जाम के क्वेश्चन हम करने वाले, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसी मर्जी आपकी, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये याद है तरह, ये याद ना रहा तो फिर क्या करेंगे, प्रीमियम बोला हूँ तो एप्रिशिएट और डिस्काउंट बोला हूँ तो डेप्रिशिएट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल $1 60.25, इसको ले लो स्पॉट रेट, ठीक है, डिस्काउंट इन रुपीस 6% पर एनम, बिल्कुल ध्यान से करना, 6% पर एनम डिस्काउंट इन रुपीस, कैलकुलेट, सिक्स मंथ्स फॉरवर्ड इट। तो मैंने कहा दो तरीके, कौन कौन से, ये तो फॉर्मूला, ये तो कॉमन सेंस, फॉर्मूला से पहले कर लूँ, ठीक है सर फॉर्मूले से कर लेते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला, रेट किसका दिया है डॉलर का, पर डिस्काउंट किस में दिया है, रुपीस में, तो सर हम समझ गए हैं हमको उल्टा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस आर माइनस एफ आर डिवाइडेड बाय एफ आर, इंटू इंटू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी को मैं पीरियोडिकल कर रहा हूँ, 6% है 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना 3%, और 3% को क्या लिखते हैं 0.03, स्पॉट रेट 60.25 माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट, यह आ जाएगा 0.03 फॉरवर्ड रेट 60.25 माइनस फॉरवर्ड रेट, ये डिस्काउंट है तो यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए पक्का, ये इधर जाके प्लस तो बचेगा क्या 0.97 फॉरवर्ड रेट, भाई ये वन है ना, ये इधर जाएगा तो बचेगा क्या 0.97, 60.25, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 60.25 डिवाइडेड बाय 0.97, 60.25 डिवाइडेड बाय 0.97, तो आंसर आ गया रुपीस 62.11। ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका
एक डॉलर कितने का है? ₹60.25, ये कौन सा रेट? स्पॉट रेट। अब सोच के बताओ क्या हो रहा है सर। डिस्काउंट मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर डेप्रिशिएट डॉलर होता तो इंटू कर देता 6%, तो 6% तो 6 महीने का कितना आएगा? 3%, तो पॉइंट डेप्रिशिएट हो रहा ना, इंटू 0.97 कर देता अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा तो। पर रुपया डेप्रिशिएट हो रहा तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मैंने करवा रखा है, हमको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 0.97, सीधा सीधा दिखना चाहिए आपको, ठीक है सर। ये क्लास का हूँ, ये भी बेसिक में करवा चुका हूँ मैं। 60.25 डिवाइडेड बाय 0.97, अल्टीमेटली तो सर यही हुआ है। हाँ भाई हाँ, आंसर तो वही आएगा। आगे से ना आप चाहो तो शॉर्टकट लगा लेना, ये आपको आता है, पर आगे से मैं ऐसे ही करवाऊंगा। इसलिए ऐसा करवाऊंगा क्योंकि यार शॉर्टकट पता नहीं, भगवान ही जानता आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रहेगा। तो अब आप तैयार हो चुके हो एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए, और एग्जाम में आता है, इस अटेम्प्ट में आया हुआ है नवंबर में IRP से क्वेश्चन, तो प्लीज आप अच्छे से करोगे इसको, ठीक है। तो अगली क्लास में सीधा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें।